क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले न्यूजीलैंड को एक और बड़ा झटका लग चुका है। वर्ल्ड कप से न्यूजीलैंड का नंबर वन क्रिकेटर बाहर हो चुका है। आपको बता दें कि पहले ही न्यूजीलैंड की टीम का एक स्टार खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर हो चुका था और अब एक और खिलाड़ी ने इस लिस्ट में एंट्री मार ली है। मानो न्यूजीलैंड की टीम पर तो जैसे ग्रहण ही लग चुका हो। अब टीम के स्टार ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल चोटिल हो गए हैं। न्यूजीलैंड की टीम को वनडे वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल चोटिल हो गए हैं। ब्रेसवेल चोट के बाद वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। हालांकि अभी टूर्नामेंट की शुरुआत में करीब 5 महीने बाकी हैं। ब्रेसवेल इंग्लैंड में खेले जा रहे T20 ब्लास्ट के दौरान चोटिल हुए, इसके बाद वो 6 महीनों तक क्रिकेट से बाहर हो सकते हैं। पहले केन विलियमसन और अब माइकल ब्रेसवेल वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के दो बड़े खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। 15 जून गुरुवार को ब्रेसवेल की इंग्लैंड में सर्जरी होगी, इसके बाद वो अपने रिहैब शुरू करेंगे। ऐसे में भारत में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप में उनका बाहर होना तो तय है। इंजरी को लेकर न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टेड ने कहा, सबसे पहले आप हमेशा खिलाड़ी के लिए महसूस करते हैं जब चोट लगती है और खासकर जब उन्हें वर्ल्ड प्रतियोगिता से बाहर रहना होगा। आपको बता दें कि ब्रेसवेल ने भारत के खिलाफ शतक भी जड़ा था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल की शुरुआत में खेली गई वनडे सीरीज के एक मैच में माइकल ब्रेसवेल ने रनों का पीछा करते हुए 82 बॉल्स में नाबाद 127 रन की पारी खेली थी। हालांकि न्यूजीलैंड मैच नहीं जीत पाई थी, लेकिन ब्रेसवेल ने अपनी ताबड़तोड़ पारी से सभी का दिल जरूर जीत लिया था। आपको बता दें ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। उन्होंने अब तक 8 टेस्ट, 19 वनडे और 16 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 259 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 25 विकेट भी लिए हैं। इसके अलावा वनडे में ब्रेसवेल ने 2 शतकों की मदद से 510 रन जड़े हैं और गेंदबाजी में 15 विकेट चटकाए हैं। वहीं T20 इंटरनेशनल में ब्रेसवेल के बल्ले से 113 रन निकले हैं और गेंदबाजी में उन्होंने 21 विकेट चटकाए हैं। ऐसे में ये खिलाड़ी टीम में ना होगा और ऐसे में टीम को बहुत ज्यादा मुश्किल तो झेलनी ही पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही अपडेटेड खबरों के लिए बने रहिए क्रिकेट एडिक्टर के साथ।